हाय गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट टेक्निकल। और इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स। ये डेली रिव्यू वीडियो है, सो ये रिव्यू वीडियो अगर आप डेली बेसिस पर देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन वीडियो में हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन, इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और साथ में अगर कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है तो उसको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम मंथली चार्ट से, क्योंकि आज 30 सितंबर है तो आज हमें मंथली क्लोजिंग मिली है। तो मंथली चार्ट पे सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ। सो इस मंथ का जो आप कैंडल देख रहे हैं, एक बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन इस बुलिश कैंडल की जो अपर शेडो है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो अगर आप एक व्यू लेना चाहें तो ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है, जो बता रही है कि जो ट्रेंड है वो अपसाइड की तरफ है, लेकिन ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको ऊपर के लेवल पर रेसिस्टेंस देखने को मिल सकती है, एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब है यहाँ पे जो आप आगे तेज़ी देखेंगे वो तेज़ी बहुत आसानी से नहीं आएगी, राइट? अब बात करते हैं हम यहाँ पर पिछली कैंडल के बारे में। तो पिछली कैंडल आप देख सकते हैं एक बियरिश कैंडल थी और इस मंथ की कैंडल का जो क्लोज़ है पिछली कैंडल के ऊपर आया है। तो यहाँ पे इस मंथ का जो क्लोज़ है, सितंबर का जो क्लोज़ है, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो मंथली लेवल पे आप इस कैंडल के क्लोज़ को मार्क कर सकते हैं। ये लेवल है 29,100 के। सो ये मंथली लेवल पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, आप इस लेवल को ज़रूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे हम एक और कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, अगर आप पिछली कैंडल को यहाँ पे इंक्लूड करें तो यहाँ पे पैटर्न जो बन रहा है वो एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बेसिकली एक बुलिश पैटर्न है जो डिनोट करता है कि आगे भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न होता है वो पिछली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेता है, अगर आप यहाँ पे देखें। सो इस मंथ की जो आप कैंडल देख रहे हैं उसने बेसिकली पिछली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है, इसीलिए इस कैंडल से एक पैटर्न को कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। सो यहाँ पे आप लेवल्स को ध्यान में ज़रूर रखें। ये जो लेवल है इस मंथ का क्लोज, अक्टूबर के मंथ में ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ में आप कंसीडर कर सकते हैं पिछले मंथ का क्लोज, तो एक यहाँ पर एक आपको जोन मिल जाएगा जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो ये लेवल्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अब चल के देखते हैं वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट पे हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे लास्ट वीक में जो कैंडल बनी है एक स्पिनिंग कैंडल बनी है। स्पिनिंग कैंडलस्टिक बेसिकली इंडिसीजन शो करती है, बताती है कि जो मोमेंटम है वो यहाँ पर स्लो हो चुका है, राइट? सो इस कैंडल का हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि अगर इस कैंडल की लो के नीचे क्लोज होता है तो हम यहाँ पर जो गिरावट है वो और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसके हाई के ऊपर यहाँ पर निकलता है तो यहाँ पर तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कैंडल यहां पर फॉर्म हुई है, अगर आप देखें तो ये गैप के सपोर्ट के आसपास फॉर्म हुई है, तो यहां पे हमें डबल कंफर्मेशन की जरूरत है। क्योंकि आज के सेशन में देखें तो आज के सेशन में पिछली वीक की कैंडल का लो क्रॉस हो चुका है, उसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि यहां पे गैप सपोर्ट है तो हमें यहां पे फर्दर कंफर्मेशन की अभी भी जरूरत है। तो ये जो लेवल है मैंने आज के कम्युनिटी पोस्ट में शेयर किए थे, इनफैक्ट कल के वीडियो में भी मैंने डिटेल्ड में डिस्कस किया था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। कल के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ये जो लेवल है जो करीब आपको मिलते हैं 28,980 के, ये गैप सपोर्ट है। ये गैप आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको कहते हैं राइजिंग गैप। तो ये गैप यहाँ पर, इसके नीचे हमें वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलेगी तो तब तक ये जो क्लोजिंग आप कह रही हैं, जो वीकनेस आप देख रहे हैं, ये कन्फर्म नहीं होगी। तो ये लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर रखें। सो 28,980 के लेवल्स जो हैं वीकली बेसिस पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि मार्केट इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है तो ये डेली के लिए और इनफैक्ट इंट्राडे के लिए भी अभी इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं डेली चार्ट। सो डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैप हम क्लियरली देख रहे हैं, और आज की जो क्लोजिंग आई है उसकी गैप की क्लोजिंग पर आई है। अगर मैं यहाँ पे आपको मार्किंग सिखाऊँ
तो ये लेवल्स मैंने आज सुबह शेयर किए थे कम्युनिटी पोस्ट में। पहला सपोर्ट जो हमें गैप के हिसाब से मिल रहा था वो मिल रहा था 29,420 के आसपास, और नेक्स्ट सपोर्ट जो हमें मिल रहा था वो मिल रहा था 28,980 के आसपास। तो बेसिकली ये जो सपोर्ट थे आज के सेशन में इंट्राडे के लिए काफ़ी यूजफुल थे। और आज की अगर आप ओपनिंग देखें तो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। अगर आप कल का क्लोज देखें तो कल का क्लोज आया था 29,870 के आसपास, और आज का जो ओपन था वो था 29,670 के आसपास। तो करीब 200 पॉइंट यहाँ पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। सो यही गैप अब एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो ये लेवल्स आप कल के लिए ध्यान में रख सकते हैं। सो कल के लिए डेली लेवल पे जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो लाएंगे। सबसे पहला लेवल रहेगा 28,980 का, नेक्स्ट लेवल रहेगा 29,420 का, और उसके बाद आप जो लेवल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे वो ये गैप एरिया है। सो ये गैप एरिया रहेगा 29,860 से लेके 29,670 का। और क्योंकि एक बड़ी बियरिश कैंडल है, तो जब इस तरह की कैंडल बनती है तो इनका हाई भी एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो मेन रेसिस्टेंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो मिलेगा 29,670 के आसपास। आप इंट्राडे में प्राइस एक्शन को ज़रूर नोटिस करें अगर यहाँ पे हमें फिर से रिकवरी देखने को मिलती है। और साथ साथ हमने यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन डिस्कस की थी कि यहाँ पे एक पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बन रही है जो कि है फ्लैग पैटर्न। सो ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, यहाँ पे हमने एक चैनल ड्रॉ किया है। तो बेसिकली फ्लैग पैटर्न क्या होता है, फ्लैग की तरह रिजम्बल करते हैं, आप देख सकते हैं ये जो तेजी है ये फ्लैग पोल की तरह दिख रही है, और ये जो आप कंसोलिडेशन यहाँ पे देख रहे हैं, गिरावट देख रहे हैं, ये बेसिकली फ्लैग जैसी दिख रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको फ्लैग पैटर्न। सो यहाँ पर अभी तक ये जो पैटर्न है इसकी प्रोबेबिलिटी इंटैक्ट है, लेकिन अगर हमें 28,980 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि 28,980 के लेवल कल के सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें, राइट। तो चलिए अब चल के देखते हैं इंट्राडे चार्ट्स, उस पर हम यहाँ पर डिटेल में प्राइस एक्शन डिस्कस करेंगे कि आज के सेशन में हमें किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला, और साथ साथ अगर कोई हार्मोनिक पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है तो हम वहाँ पर वो पैटर्न्स भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस इस चैनल के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा है, और आज की क्लोजिंग अगर आप देखें तो ये लोअर बैंड के आसपास हुई है, लोअर बैंड के ऊपर हुई है। तो ये बेसिकली चैनल है, इसको कहते हैं लोअर बैंड, मिडिल बैंड और अपर बैंड। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको ये सब पता होगा। सो बेसिकली मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए बताया है जिन्हें चैनल्स के बारे में नहीं पता। तो ये जो लोअर बैंड है एक सपोर्ट की तरह काम करता है, और जो अपर बैंड है एक रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे हमारे डेली लेवल से एक राइजिंग गैप जो बना हुआ था उसके लेवल से मैच हो रहे हैं। तो ये इंट्राडे से भी हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल रही है कि ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 28,600 के आसपास, और ये सिमिलर कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ पोलैरिटी। सो बेसिकली ये लेवल्स जो पहले रेसिस्टेंस का काम कर रहे थे अब यही लेवल अब सपोर्ट का काम करेंगे। तो पहला लेवल है, हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं 28,600 का। नेक्स्ट लेवल जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 28,428 का, और उसके बाद जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 28,270 के आसपास। सो इन लेवल्स को आप फिबोनाची से फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल फिबोनाची ड्रॉ करेंगे हाई लो को कनेक्ट करके 28,600 के आसपास, जो आप मैच यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रीवियस प्राइस पॉइंट से मैच हो रहा है। सो ये 28,700 का आपको लेवल मिल रहा है फिबोनाची के हिसाब से, जो मैच हो रहा है 28,600 के आसपास। सो एक सपोर्ट रेंज आपको यहाँ पे दिख रही है, और जो मेजर सपोर्ट रेंज आप यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची जो इम्पोर्टेंट रेशियो है 0.618 वो आपका आता है
28,200 के आसपास, और ये मैच हो रहा है प्रीवियस प्राइस पॉइंट से 28,300 के आसपास. सो ये लेवल्स आप ध्यान में ज़रूर रखें. सो ये लेवल्स हम यहाँ पे हटा देते हैं. और यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न की प्रोबेबिलिटी और बन रही थी. सो बेसिकली हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें डिस्कस नहीं करते क्योंकि इतनी सारी यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा. सो हार्मोनिक पैटर्न को यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते. अब यहाँ पे हम बेसिकली ड्रॉ करके देखते हैं बोलिंजर बैंड्स. बोलिंजर बैंड से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, किस तरह की वॉलेटिलिटी है. सो बोलिंजर बैंड्स अगर आप यहाँ पे अर्ली चार्ट पे देख, सो यहाँ पे स्क्वीज फॉर्मेशन हो रही थी. आप देख सकते हैं आज आज जो पहले घंटे की कैंडल बनी थी एक बियरिश कैंडल बनी थी और लोअर बैंड को राइड करी थी. उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके बाद जितनी भी कैंडल बनी एक इंडिसाइसिव कैंडल्स बनी और यहाँ पे ये लोअर बैंड के अंदर आ चुकी हैं. दैट मीन्स जो गिरावट का मोमेंटम था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था. और इसी को आप चाहें तो 15 मिनट के चार्ट पे भी देख सकते हैं. सो 15 मिनट के चार्ट पे भी सिमिलर एक स्क्वीज फॉर्मेशन थी. उसके बाद ये जो बैंड ओपन हुआ वो नीचे की तरफ हुआ. प्राइजेस ने बैंड को राइड किया, उसके बाद प्राइजेस बैंड के अंदर आ गए, विच शोज कि ये जो मोमेंटम था गिरावट का वो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नहीं था. तो अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर से स्क्वीज फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो गया. तो आपको देखना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट किस साइड आता है, यहाँ पे ये अपर बैंड को राइड करता है या फिर लोअर बैंड को राइड करता है. तो यहाँ पे आप लेवल्स को ध्यान रखें, उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं. तो चलिए चल के देखते हैं निफ्टी के चार्ट्स. सो निफ्टी पे यहाँ पे इस मंथ की जो कैंडल बनी है एक बुलिश कैंडल बनी है. और अगर हम ये तीनों कैंडल को यहाँ पे कंपेयर करें, यहाँ पे कंसीडर करें, तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो एक मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है. पर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है अगर डाउन ट्रेंड में बनता तो ज़्यादा यूजफुल है. लेकिन यहाँ पे हम इस मंथ की कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि एक बुलिश कैंडल है और डोजी के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, राइट. सो यहाँ पे जो व्यू हमें मंथली चार्ट से मिलता है वो एक बुलिश व्यू मिलता है. वीकली चार्ट पे चलते हैं. सो वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे सिमिलर फॉर्मेशन थी जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा, एक स्पिनिंग कैंडल थी. और आज अगर आप यहाँ पे देखें निफ्टी में बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है. तो निफ्टी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है बैंक निफ्टी से. और आज अगर आप देखें तो अभी तक जो वीकली लेवल पे कैंडल बन रही है, अभी एक डोजी कैंडल दिख रही है, तो हमें वीक का वेट करना पड़ेगा. सो यहाँ पे भी हम बेसिकली कंसिडर करेंगे जो पिछली मंथ का हाई है. सो बेसिकली आपको इस मंथ की कैंडल का हाई और इनफैक्ट आप क्लोज को भी कंसीडर कर सकते हैं. तो कुछ लोग हाई को कंसीडर करते हैं, कुछ लोग क्लोज को कंसीडर करते हैं. तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को कंसीडर कर रही हूँ. तो निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है जो आता है 11,470 के आसपास. सो ये अक्टूबर के मंथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इसको ध्यान में ज़रूर रखें. तो जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि निफ्टी में आज के सेशन में हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली और ना ही हमें वीक के नीचे आज क्लोजिंग देखने को मिली है. तो चलिए चल के देखते हैं डेली चार्ट. सो डेली चार्ट पे भी यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी फ्लैग पैटर्न की प्रोबेबिलिटी अभी भी बनी हुई है. सो यहाँ पे ये पोल बन चुका है, यहाँ पे अभी ये फ्लैग की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा यहाँ पे निफ्टी हमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है. और अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइजेस की जो क्लोजिंग आई है वो मिडिल बैंड के ऊपर आई है और बैंक निफ्टी में जो है यहाँ पर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लोअर बैंड के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट. सो यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है. आपको यहाँ पे वेट करना है कि किस तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा. तो चलिए चल के देखते हैं इंट्राडे के चार्ट्स.
सो इंट्राडे में आप ये क्लियरली फॉर्मेशन देखते हैं, देख सकते हैं ये चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो बैंड है यहाँ पे फ्लैट है, तो एक साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है थोड़ा हमें और साइडवेज मूवमेंट देखने को मिले। और अब अगर हम यहाँ पे चल के देखिए 15 मिनट के चार्ट, तो 15 मिनट पे भी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक स्क्वीज था, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई, बैंड को राइड किया, फिर से प्राइसेस बैंड के अंदर आ गए। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो गिरावट का मोमेंटम था वो काफ़ी वीक था। और अब यहाँ देख सकते हैं आप फिर से यहाँ पे स्क्वीज फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि किस तरफ का ब्रेकआउट आता है, और साथ में आप इम्पॉर्टेंट लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। सो यहाँ पे आप इम्पॉर्टेंट लेवल्स फिबोनाची से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे जो लेवल है हमने पहले ऑलरेडी मार्क कर रहे हुए हैं, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं। आप पुराने वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हम दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लेवल्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।